हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नया फेमस कैरेक्टर बनाने वाले हैं और ये बहुत ही फेमस है बच्चों के बीच में और बड़ों के बीच में भी है। इसके कई सारे कार्टून सीरीज भी आए हैं, तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल, ये हम लोगों ने सर्कल बनाया सॉफ्ट हैंड, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नीचे का जो बेस है उसको थोड़ा सा फ्लैट रखेंगे, जैसे देख रहे हो ये थोड़ा फ्लैट हुआ। और फ्लैट होने के बाद ऊपर से थोड़ा इसको ऐसे रखेंगे, कैसे ट्रायंगल आता है वैसे, लेकिन इसको रखेंगे हम सॉफ्ट ही। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ओवल का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया था, तो ये ओवल यहाँ पे डाल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको मिलती है, तो ये यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे होने के बाद फिर अंदर से ये से हाफ सर्कल दिया यहाँ पे, और ये हाफ सर्कल होने के बाद फिर बाहर से कुछ लाइंस बनाएंगे। लाइंस को मैंने कुछ ऐसे बनाया, फिर इसको पैक किया, ये बनाया, इसको यहाँ पे पैक कर लिया। अब जो हमारा जो एंगल है आइज़ का, ये कुछ इस तरह से है, तो यहाँ से बनाने से बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि नोज़ किधर बनानी है। और नोज़ के लिए ये देख रहा हूँ कर्व बनाए, और ये कर्व बनाने के बाद एक ट्रायंगल जैसा है, इसको हम सिर्फ इसको ऐड कर देना है। ये होने के बाद इसके नीचे से ये और ये ऐड कर दो, हो गया। और ये हमारा आई के लिए आई लाइन हो गया। और यहाँ पे इसको सर्कल में इसको ऐसे बना लिया। और इधर का जो आई होगा थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा इसलिए कि ये इस साइड का है, ये बन गया। और एंग्री बर्ड जैसे कि गुस्से में रहती है, तो इसके लिए आईब्रोज जो होंगे कुछ इस तरह से आएंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये बना लिया आईबॉल, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको निकाल के एक लाइन रखेंगे। हम लोग प्लास्टिक क्रेयॉन्स का यूज़ करेंगे। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी निकले हुए स्केच पेन से इन सबको यहाँ पे कलर कर देंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन निकल गई तो इसको भी ऐसे मिक्स कर लो उसमें। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आउटलाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उसके बाद कुछ फैलता नहीं है।
और यहाँ येलो से इसको फिल कर लेंगे। और ये जो प्लास्टिक क्रेयन्स है सबके पास अवेलेबल होगा, अगर नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट, अगर स्केच पेन होता है तो स्केच पेन से कर लेंगे। और इसके बाद जो है वो ब्राउन कलर से इसको नीचे का कर लेंगे। तो ये हमारा जो स्केच है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही कोई आपके पास कोई रिक्वेस्ट हो कि ये कैरेक्टर हमें ड्रॉ करके बता दो तो वो भी कर सकते हो मैं, तो ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलिग के साथ, तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो आपके कमेंट जो होंगे वो मेरे लिए फीडबैक हो गए कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप बता देना। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए कैरेक्टर के साथ। थैंक यू।